गुड मॉर्निंग क्लास 12। आज हमें पढ़ना है एक्सप्लेन मेंडल एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने किस तरीके से अपने एक्सपेरिमेंट्स किए, उनके लिए कौन कौन सी स्टेजेस थी। पहले के हम लोग वीडियो में पढ़ चुके हैं कि मेंडल की जो सक्सेस का रीज़न क्या था और उनकी सक्सेस को नोटिस क्यों नहीं किया गया। आज हम पढ़ेंगे मेंडल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। क्या क्या स्टेजेस थी, देखिए 3 स्टेजेस थी जो मेंडल के लिए, मतलब मेंडल ने जिससे एक्सपेरिमेंट अपने परफॉर्म किए थे। पहली है आपकी सिलेक्शन ऑफ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स। सिलेक्शन ऑफ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स को आप पेरेंट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। जो पेरेंट्स से आ रहे हैं आपकी प्रोजनी, उनको आपको ट्रू ब्रीडिंग, मतलब उनके बीच ट्रू ब्रीडिंग हुई, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑप्टेनिंग F1 जनरेशन, जैसे कि आप जानते हैं ये दो प्लांट हैं, इनके बीच क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन हुआ, इनके बीच हाइब्रिडाइजेशन हुआ, मतलब इनसे जो एक प्लांट आया, हमें जो जनरेशन मिली, मतलब जो जनरेशन हमें यहाँ मिली प्लांट की, उसे हमने दे दिया F1 नाम, ठीक है। इसी F1 में अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑप्टेनिंग F1 जनरेशन, सेल्फ पॉलिनेशन हुआ फिर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन प्लांट ऑप्टेनिंग F1 F2 F3, मतलब ये जो F1 जनरेशन आई, इन दो प्लांट के हमने बीज बोए थे, सीड्स हमने रखे थे, मतलब बोए, तो उनसे हमें F1 जनरेशन मिली। तो F1 जनरेशन की सीड हमने अगेन बोई, ठीक है। तो F1 जनरेशन को हमने फिर क्रॉस करवाया, ठीक है, किसी प्लांट से सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, मतलब सॉरी सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, तो हमें F2 मिला, ठीक है। ऐसे ही अगेन हमने फिर जो हमें जनरेशन मिली उसका हमने F3 कराया। तो इस तरीके से हमारे पास जनरेशन आती गई F1 F2 F3, ठीक है। नाउ देखिए अब क्या है आपका, अब ये है कि सेल्फ सिलेक्शन ऑफ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट पेरेंट्स, आपको बताई दिया था ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स थे। अब देखिए क्या क्या थे, जो मतलब इन्होंने 7 पेयर लिए थे, आपको मालूम ही है, अभी आप लोग उसके बारे में पढ़ोगे भी कौन कौन से वो ट्रेट थे जो 7 थे, ठीक है, जिनके बीच ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी कराई। अब बार बार यहाँ ट्रू ब्रीडिंग आ रहा है तो उसका मतलब समझ लीजिए क्लास, ट्रू ब्रीडिंग का मतलब है जब किसी पेरेंट्स में, मतलब पेरेंट्स से जो करेक्टर आपके ऑफस्प्रिंग में आते हैं, ठीक है, पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग में जो करेक्टर आते हैं वो रिटेन करते हैं। जैसे आप सपोज ये रेड है और ये ग्रीन है और ये रेड है, ठीक है, इनसे जो आपके करेक्टर्स, मतलब इनसे हमने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, तो रेड से हमें रेड ही करेक्टर, ग्रीन से हमें ग्रीन ही करेक्टर मिल रहा है और रेड से हमें रेड ही करेक्टर मिल रहा है, जो आए करेक्टर, ठीक है, जो जनरेशन में आए करेक्टर रेड से रेड ही मिले, ग्रीन से ग्रीन ही मिले, इसको हम लोग कहते हैं ट्रू ब्रीडिंग। मतलब सेम करेक्टर सेम ट्रेट मिलना नेक्स्ट जनरेशन में जो पेरेंट्स से आ रहे हैं, ठीक है, तो उसी को ही ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज़ ऑफ प्ली प्लांट कह रहे हैं। ऑन सेल्फ पॉलिनेशन किससे मिल रहे हैं हम लोग को, सेल्फ पॉलिनेशन से मिल रहे हैं, ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी इसी को कहते हैं, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ F1 जनरेशन मेंडल परफॉर्म रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस के बारे में भी आप आगे पढ़ेंगे, टेस्ट क्रॉस है इसमें रिलेटेड, आउट क्रॉस है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड अभी आप आगे पढ़ेंगे। क्रॉस बिटवीन प्लांट्स ऑफ विथ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, देखिए इसमें कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट वर्ड आ रहा है, आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जहाँ ट्रेट आए तो समझ जाइएगा किसकी बात हो रही है, टॉल, ड्वार्फ, रेड, ग्रीन कलर की बात हो रही है, पूरे इसमें मतलब डिनोट होगा कैसी हाइट है, कैसे कलर हैं, ठीक है। अगर करेक्टर की बात हो रही है तो हाइट, पर्टिकुलर हाइट की बात होगी, पर्टिकुलर शेप की बात होगी, पर्टिकुलर कलर की बात होगी, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है आपका, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, इसका मतलब कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को लिया था, टॉल, ड्वार्फ, ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग मतलब होता है डिफरेंट, कॉन्ट्रास्टिंग मतलब होता है डिफरेंट ट्रेट। अब जैसे मतलब हाइट, इसमें तो हाइट पूरी डिनोट की जाती है, तो टॉल ड्वार्फ, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट टॉल का उल्टा अपोजिट क्या हुआ, ड्वार्फ, बौना मतलब, टॉल का मतलब लंबा, ठीक है, रेड का ग्रीन हो गया, ठीक है, वैसे ही आपका शेप हो गए, ठीक है, शेप कैसे हो गए आपके, रिंकल्ड हो गए, ठीक है, और क्या हो गए, राउंड हो गए, ठीक है, ये शेप हो गए आप, अभी आगे अभी आपको और अच्छे से क्लियर होंगे। तो कॉन्ट्रास्टिंग मतलब होता है डिफरेंट, ट्रेट मतलब होता है आपका जो आपका करेक्टर है, जैसे कि टॉल, ड्वार्फ, पूरा मतलब डिनोट करना उस करेक्टर को, कॉन्ट्रास्टिंग मतलब विभिन्न, मतलब अलग अलग तरीके के ट्रेट परफॉर्म करें अपने, किस पे, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस पे। मोनो मतलब होता है क्लास 1, डाई मतलब होता है 2, हाइब्रिड मतलब यहाँ पे करेक्टर से रिलेटेड है, करेक्टर मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, हाइट, जैसे करेक्टर मैंने आपको बताया हाइट, शेप, कलर, ठीक है, तो यहाँ पे 1 करेक्टर के बीच अगर आपका क्रॉस हुआ है तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, 2 करेक्टर के बीच अगर क्रॉस हुआ है तो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। रेसिप्रोकल क्रॉस के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे, उसके टेस्ट क्रॉस, आउट क्रॉस के बारे में। देखिए इन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिए थे, मतलब अलग अलग, जैसे टॉल, ड्वार्फ, राउंड, रिंकल्ड, ठीक है, इस तरीके से इन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिए थे, और मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉस जिनके बीच कराया था, मतलब उनके करेक्टर के बीच, ठीक है, उनके करेक्टर के बीच क्या कराया था,
वन के भी वन करेक्टर के बीच क्रॉस हो रहा है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस डाईहाइब्रिड क्रॉस टू करेक्टर के बीच हो रहा है, ठीक है। जैसे राउंड रिंकल्ड, राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, दो दो करेक्टर हो गए, ठीक है। इसमें मोनो मतलब एक, टॉल प्लांट, ड्वार्फ प्लांट, एक एक करेक्टर लिया, तो ये आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया, ठीक है क्लास। सेल्फ पॉलिनेशन बिटवीन एफ टू एफ थ्री जनरेशन, वही एफ टू एफ थ्री जनरेशन, एफ टू जनरेशन ऑफ स्प्रिंग्स ऑब्टेन फ्रॉम ब्रीडिंग, देन अगेन द साइकिल कंटिन्यू। मतलब ये आपका क्लास यही मतलब कह रहा है कि आपके सेल्फ पॉलिनेशन के रिजल्ट से ही मेंडल को सक्सेस मिली है। ज़्यादातर इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन ही कराया है आपके एफ टू एफ वन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि दो प्लांट लिए इन्होंने, ठीक है, इनके बीच क्रॉस कराया, इनके बीच क्रॉस कराने पे जो जनरेशन आई उसको इसको इन्होंने दे दिया F1, फिर इसके बीच जो क्रॉस हुआ सेल्फ पॉलिनेशन उसको दे दिया F2, फिर F2 के बीच जो क्रॉस हुआ उसको दे दिया F3, ठीक है। दो प्लांट के बीच जो करवाया, सपोज़ ये आपके दादाजी, ये आपके पेरेंट्स, और ये आप, ये हम, ठीक है। इससे आपको ये चीज़ याद रहेगी हमेशा, ठीक है। ग्रैंडफादर और मतलब हमारे रियल फादर और हम लोग, ठीक है। तो इससे आप लोगों को ये चीज़ याद रहेगी, F1, F2, F3, ठीक है। तो F2 जनरेशन में ऑफस्प्रिंग साइकिल फिर कंटिन्यूड रहती है, ठीक है, F3 से F4, F5, F6, ठीक है। लेकिन आपके जो समझाया गया है इसमें वहीं तक मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन बिटवीन F2 F3 जनरेशन, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, इससे एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है हमेशा। ये बात याद रखिए कि F1 F2 सेल्फ पॉलिनेशन करवाया गया इनके बीच, ठीक है। मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉप्स के बारे में आप जानेंगे, ट्रेट और करेक्टर के बीच में हमेशा ध्यान रखिएगा, ट्रेट के मतलब बात हो रही है टॉल ड्वार्फ पर्टिकुलर उसके करेक्टर की, मतलब पर्टिकुलर कैसा है वो, टॉल है, ड्वार्फ है, कलर कैसा है, रेड है, ग्रीन है, शेप कैसा है उसका, ठीक है। शेप कैसा है मतलब लंबा है, ठीक है, चौड़ा है, मोटा है, ठीक है। तो करेक्टर मतलब पर्टिकुलर हाइट की, शेप की, कलर की, एक मतलब हाइट है उसकी पर्टिकुलर, उसकी हाइट की बात हो रही है, शेप की बात हो रही है, कलर की बात हो रही है। यहाँ तक आपको होपफुली डाउट नहीं होगा क्लास, यहाँ पे आपका एक टॉपिक खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट स्टडीड बाय मेंडल। थैंक यू क्लास, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बाय।